पटोदा कस्बे के अंतर्गत पुलिस थाना नेचुआ से अपहरण बालिका की बरामदगी के लिए व दोषियों को गिरफ्तारी के लिए 10 जून से कलेक्टर के सामने राजस्थान मेघवाल परिषद व सामाजिक संगठन व सर्व समाज के लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है, जो चौथे दिन भी जारी रहा। धरने में बैठे परिषद के जिलाध्यक्ष रामचंद्र खोरी ने बताया कि धरना जब तक जारी रहेगा तब तक बालिका को हमारे सुपुत्र नहीं करेगा तथा दोषियों को सजा नहीं देगा, तब तक धरना जारी रहेगा। गुरुवार को धरने में कई संगठन शामिल हुए। मेघवाल परिषद के जिलाध्यक्ष रामचंद्र खोरी ने बताया कि पांचवें दिन बाद भी ना तो किसी अधिकारी पीड़ित परिवार से मिले और ना ही कोई आश्वासन दिया है। इससे समाज के लोगों में नाराजगी है। धरने पर बैठे निर्मा देवी, महेंद्र गहलोत, बजरंग कल्याण व अन्य कलेक्टर गृह मंत्री को ज्ञापन दिया। पाटोदा गांव पाटोदा उसके अंदर जो दलित समाज की, बहुजन समाज की बेटी जो गरीब परिवार से और उसके परिवार की दयनीय हालत होते हुए एक बच्ची को अगवा किया गया था 30 जनवरी 2019 को, और 4 महीने के अंदर हमने बार बार प्रशासन को और ऑफिस जैसे एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस में सब में हमें ज्ञापन दिया और 6-7 बार ज्ञापन भी दे दिया। आंदोलन कर चुके लेकिन उसके बाद भी हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है और हम उस न्याय पाने के लिए इसके संघर्ष कर रहे हैं। और जब तक आज हम, मैं सीता देवी, राजस्थान मेघवाल परिषद की महिला मोर्चा के अध्यक्ष, आज यहाँ एसपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठे हैं और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा और बच्ची बरामद नहीं होगी और पूरा हमें न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे।